जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। गुरुजी, अरे क्या बात है बागी? आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करता हूँ। और फिर वनराज और काव्या की शादी के अरेंजमेंट्स भी मैंने किए, तो मुझे लगा कि आप मुझे आप सिर्फ मेरे दोस्त हैं क्या? नहीं, दोस्त और डॉक्टर तो सबके काम आने चाहिए। अगर आप उनके काम आए तो मैं क्यों नाराज होंगी? वैसे आप मुझे गुरुजी कहते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है, sometimes I feel कि मुझे आपको गुरुजी कहना चाहिए। आप जानती हैं मैं आपकी इतनी तारीफ क्यों करता हूँ? फेफड़ों की वजह से। वाह, मुंह में स्वाद है। वैसे कोई कितना भी क्यों ना मैच्योर हो, ये सिचुएशन ऐसी है कि इसे हैंडल करना मुश्किल तो होता ही है, लेकिन आप इतनी कामली अपने एक्स हस्बैंड की शादी कैसे हैंडल कर रही हैं? वो मिस्टर शाह और मेरा रिश्ता टूटे काफी समय हो गया, और उनका और काव्या का रिश्ता जुड़े काफी समय हो गया। अभी तो बस रस्में हो रही हैं। जब चोट लगी थी तो बहुत दर्द हुआ था, बहुत आंसू बहे थे, पर अब मैं बस निशान देख के क्यों रो। और वैसे थैंक यू, मुझे आज रिसोर्ट से निकलने का बहाना चाहिए था। क्यों? वो कभी कभी दूरी जरूरी होती है। अरे वाह, क्या 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 शेर मारा है आपने। बड़ी बड़ी जरूरी होती है ये दूरी, बड़ी जरूरी होती है ये दूरी। लंगूर की बीबी होती है लंगूरी। अरे क्या कर रही हैं आप? कान्हा जी से थैंक यू कह रही हूँ कि आपको उन्होंने डॉक्टर बनाया, कभी नहीं। कान्हा जी, सुना आपने क्या कहा? चलिए इसी बात पे चले। चलिए 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 जी। भगवान करे अब मिश्र शाह पीछे ना हटे और ये शादी हो जाए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। आप पूजा का सारा सामान ले आए हैं ना? वो क्या है ना, यहाँ रिसोर्ट में लास्ट मिनट पे कुछ नहीं मिलेगा। चिंता मत कीजिए, मैं सब लेके आया हूँ। वाव, पंडित जी आ गए, सामान आ गया, दुल्हन भी आ गई। बस ना तो बाराती आए और ना ही दूल्हा। शादी का मुहूर्त 4 बजे तक है। और 4 बजे में तो सिर्फ 10 मिनट बाकी है। काव्या दी, 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 जल्दी आओ। कहाँ हो तुम भी? भी 4 बजे का मुहूर्त है, जल्दी आओ ना भी, I'm waiting for you। ऐसे भी वी करने से तो अंदर जा, छुरी चाकू ले और डरा धमका के ले जा अपने भी को। इस बुढ़िया को तो मैं What? I mean इस टीनेजर लड़की को मैं बाद में देख लूंगी। By the way, ये 15 किलो का लहंगा, इतने बड़े हील्स, you could have helped me। सहेली नहीं हूँ मैं, समधन हूँ तुम्हारी। Help me। इतना सोच के मैंने नाम रखा था वनराज, और इसने रख दिया वी, 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 वी। जब नाम पूरा नहीं लिया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है कि नाम वनराज हो या वानरराज हो। हमारे जमाने में पति का नाम नहीं लेते थे, और इसे देखो, इससे पति का नाम ढंग से नहीं लिया जाता है। वी, 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 वी। वी कहाँ हो तुम? बाहर आओ ना वी। वी तुम रेडी हुए या नहीं? अच्छा वी, मैं अंदर आ रही हूँ। हाँ वी, वी, वी तुम तैयार हुए या नहीं? वी कहाँ? हैंगर तो यही है, दैट मींस वी रेडी तो हो गया है। माय गॉड, थैंक गॉड। वी आर यू इन द बाथरूम? वी वी,
वी वेर आर यू वी 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 शायद इधर होगा अब वी वी क्या तुम अंदर हो वी अरे यहाँ नहीं है तेरा वी और अगर नहीं मिल रहा है तेरा वी तो उसे फोन कर ले हमारे सर मत खा ये देखो ये पैर गृह प्रवेश करेंगे वनराज कहा था ना तेरा वी यहाँ नहीं है ये देख ये है यहाँ पे ये देख है यहाँ पे नहीं है ना वो पलंग के नीचे भी देख वहाँ पे भी नहीं होगा सूटकेस निकाल के दिखाऊ तू कहाँ है मेरा वी अरे तेरा वी है तुझे पता होना चाहिए और शादी नहीं हुए तेरी तो जब तक शादी नहीं होगी तब तक मेरे घर में पैर मत रखना निकल निकल यहाँ से अपना ये 15 किलो का घाघरा लेके निकल यहाँ से निकल कहाँ है तेरा भाई उसका वी वाओ 4 बजे नहीं और धमाके शुरू हो गए क्या कहा अरे पंडित जी आप पूजा कीजिए ना यू बेटर पिक अप माई कॉल वी पिक अप फोन नहीं उठाया अद्वैत के पास क्या होगा स्ट्रेंज ना ना अनुपमा दिखाई दे रही है और ना ही समधी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों साथ में हैं आई मीन हम लोगों ने देखा था ना कि दोनों वहां साथ में खड़े होकर प्लानिंग कर रहे थे अच्छा वो आपके डॉक्टर से मुलाकात होगी हाँ अगर आप अभी रिजॉर्ट नहीं जाना चाहती तो रास्ते में एक मंदिर मैं तो शादी में नहीं जाना चाहती पर आपको जाना होगा ना वो क्या है ना मुझसे किसी की आजादी छिनते हुए देखी नहीं जाती है आप तो मंदिर भी नहीं जाते लेकिन आप तो जाती है ना हाँ पर मेरी वजह से आप क्यों तकलीफ करेंगे अरे कोई तकलीफ नहीं है जब तक आप भगवान जी के दर्शन करेंगे ना तब तक मैं अपनी जड़ी बूटियां तोड़ दूंगी ओके अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है चले 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 वी पिक अप द फोन वी समधी जी फोन नहीं उठा रहे टिपिकल समधी जी बिहेवियर उफ शादी का मुहूर्त शुरू हो गया मुझे पता है पंडित जी मगर मुहूर्त शुरू हुआ है खत्म नहीं हुआ है थोड़ा सब्र रखिए आप अरे पंडित जी आप बार बार दूल्हे को बुलाइए ऐसा मत बोलिए आप अपना काम कीजिए ना अरे कोई आए या ना आए आपकी दक्षिणा जरूर आ जाएगी व्हाट डू यू मीन कोई आए ना आए अरे फोन करो वी को फोन करो पापा अब तक नहीं आए काव्या उन्हें बार बार फोन कर रही है पर वो शायद उठा नहीं रहे अच्छा किया इतने दिनों में कुछ तो अच्छा काम किया अरे पर मम्मी भाई हमें बता कर भी नहीं गए कि वो गए कहाँ हैं मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है अब अरे उससे शादी नहीं करनी होगी तो भाग गया होगा पापा प्लीज पापा का बिना बताए चले जाना कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हमें खुश होना चाहिए मैं अपने फोन ट्राई करता हूँ आप शादी की तारीख निकाल भी लेंगी तो भी शादी में बहुत विघ्न है बेटा
वी का कुछ पता चला? कहाँ है वी? इधर आ, यह चावल के डिब्बे में है। अरे एक बार कहा ना के यहाँ नहीं है। अगर पता नहीं है तो पता लगाइए ना, कौन है? प्लीज देखिए पंडित जी भी बाहर रेडी है, मुहूर्त स्टार्ट हो गया शादी का, सब कुछ तैयारियाँ हो गई है। प्लीज प्लीज ढूंढिए उन्हें। हमें सच में नहीं पता पापा कहाँ है। पाखी अगर तुम्हें नहीं पता तो जस्ट कॉल हिम ना, वो तुम्हारा फोन जरूर उठाएंगे। पाखी ट्राई किया था पर वो फोन नहीं उठा रहे। तो कॉल हिम अगेन, फिर से कॉल करो। मैं तो कहती हूँ आप सब लोग अपने अपने नंबर से उसे फोन करो, मैसेज करो, ढूंढने की कोशिश करो उसे प्लीज। तुम लोग चुप क्यों खड़े हो, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? ओह गॉड, यहाँ भी गायब हो गया, तुम लोग इतने शांत खड़े हो। इसका मतलब है कि ये सब तुम लोगों ने किया है ना? आई न्यू इट, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तुम लोगों ने मेरे वी को कहीं छुपा दिया है। जस्ट टेल मी मेरा वी कहाँ है, वेयर इज ही? तुझे हिंदी समझ में नहीं आती है? गाना क्या, हमें नहीं पता। आप प्लीज प्लीज आप शांत रहिए। काव्या प्लीज तुम यहाँ से जाओ, हमें सच में नहीं पता कि पापा कहाँ पर है। इमोशंस भी क्रेजी बॉल की तरह होते हैं, एक पल आंसू तो दूसरे पल अंगारे। मेरा भी कहाँ? बाप रे गुरु जी, कितने भुनगे हैं यहाँ पर, आंखों के सामने पूरे झुंड का झुंड। चलिए चलिए अभी तो सिर्फ शुरुआत है। वैसे मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि लोग शादी करते क्यों हैं। मतलब इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है कि हम अकेले खुश रह रहे के तंग आ गए हैं यार, चलो शादी कर लेते हैं। आपको लगता है शादी गलती है? नहीं, मुझे क्या लगता है डजंट मैटर, लेकिन जितने शादीशुदा लोग हैं ना उनको तो यही लगता है। मुझे लगता है शादी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, सबसे खूबसूरत रिश्ता है। इसमें दो लोग ही नहीं जुड़ते, दो परिवार जुड़ते हैं, एक हो जाते हैं। आपकी खुद की शादी कामयाब नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस शादी नाम के इंस्टीट्यूशन पे यकीन रखती हैं, which is fantastic. मेरे ख्याल से शादी जो है वो शादी बिजली है। वो? तार अगर सही से जुड़ गए तो उजाला ही उजाला, जीवन रोशन हो जाता है, लेकिन अगर गलत जुड़ गया तो चोर का झटका। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, कनेक्शन ही गलत लग गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इस रिश्ते पर से विश्वास उड़ गया है। हाँ, पर अगर किसी को लगता है कि वो ये रिश्ते को दिल से नहीं निभा पाएंगे तो उन्हें इस बंधन में बंधना ही नहीं चाहिए। जैसे वनराज, I'm sorry, but I noticed कि वनराज शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। Actually, काव्या शादी को लेकर बहुत excited है, बहुत desperate है, but वनराज, I don't think so. पी कहाँ हो तुम? पी where are you? जी मेरा बेटा जहां भी हो बस ठीक हो। वनराज पहले ही परेशान था और गुस्से में मैंने न जाने क्या क्या कह दिया, पता नहीं अब कहां होगा। भाई फोन नहीं उठा रहे ना, कितने मैसेजेस किए पर पढ़ ही नहीं रहे। पिछली बार जब घर छोड़ के गया था तब करता है वनराज ऐसा, जब भी कोई गलत फैसला लेता है और उसे समझ में नहीं आता है कि अब क्या करे तो ऐसे ही घर छोड़ के भाग जाता है। पी, पी,
काव्या रिलैक्स। वी गो होम, वी प्लीज कम बैक। गुरुजी। अरे आपकी पूजा हो गई? हाँ हो गई। मेरी भी हो गई, मेरी पूजा भी हो गई, मुझे प्रसाद भी मिल गया और मुझे शांति भी मिल गई। ये एंटी एंजाइटी जड़ी बूटी है, बस इसे सूंघते ही इंसान को थोड़ी देर के लिए बड़ी शांति मिल जाती है। और थोड़ी देर के बाद वापस पहले जैसा। चाहे दुनिया की कोई भी जड़ी बूटी हो, शांति रहती तो बस दो पल ही है। मैं सोच रहा हूँ कभी शादी करूंगा ना तो शांति नाम की लड़की से करूंगा, ताकि मैं कह सकूं कि मेरी जिंदगी में सिर्फ शांति ही शांति है। वाह वाह। यस। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मुझे लगता है आपको ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। आ, 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 आ। भाई दो पल की इस खुशी में सबके साथ साथ आपका भी हक है। लीजिए लीजिए लीजिए। एक मिनट। अरे पापा, हाउ डेयर शी कट माय कॉल। ओ अनुपमा ने भी तुम्हारा फोन कट कर दिया। आई एम श्योर दोनों साथ में ही हैं, यू नो माय समधी जी, कभी भी डिसीजन बदल सकते हैं। थैंक यू। शांति शांति। एक ही मिनट। ठीक। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, मैं अगर फोन काट रही हूँ तो तुम क्यों बार 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 फोन कर रही हो? कहाँ है वो? Where is my V? Where is he? ये क्या वीवी लगा रखा है तुम्हारे वी को, क्या मैं पर्स में लेके घूमती हूँ? रुपा शांत हो जाए प्लीज। शादी तुम्हारी, दूल्हा तुम्हारा, तो परेशानी भी तुम्हारी मेरी नहीं। अब तुम दोनों शादी करो नहीं करो, जो करना है करो, पर मेरी जान मत खाओ, समझ गए तुम? एक मिनट अनुपमा। क्या है? तुम्हें अभी के अभी यहाँ आना होगा। गंदगी तुमने फैलाई है काव्या, तो साफ भी तुम ही करोगी, मैं नहीं। हाँ मैं वहाँ नहीं आने वाली हूँ। तुम्हें आना होगा अनुपमा, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं आई ना तो वनराज के साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली के खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। कि तुम लोग सब मिलके मेरी शादी रोकने की कोशिश कर रहे हो और मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।